और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, रोडवेज बस और ट्रक में टक्कर के बाद 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जानकारी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर से 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टक्कर के बाद बस जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देख सकते हैं आप, बस जो है वो पूरी तरह से पलट गई है, इसमें 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एक साइड से बस ने ट्रक में टक्कर मारी है, ऐसा मालूम पड़ रहा है यहाँ पर। और जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची, 12 से ज्यादा यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद रेलवे मंडल ने बड़ी कार्रवाई की है, अवैध रूप से टिकट बेचने वाले गिरफ्तार किए गए। 20 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। IRCTC की वेबसाइट के जरिए टिकट बेचा करते थे। पकड़े गए आरोपी मुरादाबाद डिवीजन के रहने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, मुरादाबाद रेलवे मंडल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से टिकट बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। रेलवे सुरक्षा बल के शाखा अधिकारी के नेतृत्व में ऑपरेशन उपलब्ध अभियान के तहत 20 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और 17 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पकड़े गए सभी आरोपी IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से टिकट बनाकर मनमाने दामों पर बेचा करते थे और लोगों के साथ ठगी करते थे। पकड़े गए सभी आरोपी मुरादाबाद डिवीजन के बताए जा रहे हैं। कुछ लोग जो पर्सनल आईडी IRCTC की होती है उस पर अपने लिए टिकट ना बना के दूसरे के लिए बनाते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे वसूलते हैं, उनसे ठगी करते हैं। इस चीज़ को हम लोग रोकते हैं और ऐसे में ही हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल के जो शाखा अधिकारी हैं मनोज कुमार जी, उन्होंने एक ऑपरेशन अपने नेतृत्व में चलाया और 17 लोगों की गिरफ्तारी करवाई और 20 लोगों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत।